दोस्तों अगर आप भी अपनी वीडियोस में प्ले नेक्स्ट वीडियोस लगाना चाहते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से, ताकि आपकी कोई भी वीडियो प्ले हो उसके बाद आप जो भी वीडियो दूसरों को दिखाना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई और वीडियो आपने बना रखी है तो उसको कैसे प्ले नेक्स्ट में आप उसको सेट कर सकते हैं, आज की वीडियो तो बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो को पूरा देखते रहना, बिल्कुल मिस मत करना। साथ जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ओपन कर देना। दोस्तों जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई और वीडियो पहले से बना रखी है तो अगर आप उसको प्ले नेक्स्ट में दिखाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके ऑडियंस है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दूसरी वीडियो भी वॉच करें, आप उनको सजेशन देना चाहते हैं तो उसको कैसे आप लगा सकते हैं इस तरीके के स्क्रीन में जो दिख रहा है। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको अपनी जब वीडियो बना लेते हैं, आप अपलोड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद आपको जो कार्ड्स है आपका जहाँ पे आप एंड स्क्रीन लगाते हैं, आप एंड स्क्रीन में आप उस वीडियो में यूज करिए दोनों को, साथ में जो कार्ड्स है उसमें कार्ड में यूज करिए, साथ में उस वीडियो का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है टाइटल के साथ और उसका लिंक डाल देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपके प्ले नेक्स्ट में शो करने लगेंगे वीडियोस जो भी आप डालेंगे। अगर आप चार वीडियो का लिंक देते हैं, पांच वीडियो का लिंक देते हैं तो बारी बारी से हर वीडियो जब भी उसको कोई भी उसको व्यू करेगा तो उनको वो दो वीडियोस जरूर दिखेंगी। दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्ले नेक्स्ट में वीडियोस पे भी लगाकर उन पे अच्छे खासे व्यूज़ ला सकते हैं अगर उन पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और अगर एक ही कैटेगरी की है तो आपको जरूर लगाना चाहिए इस तरीके से। दोस्तों आज के वीडियो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करना और जो भी नया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ओपन कर देना, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।